हेलिकार्नेसस में एक बहुत बड़ी यादगार जैसी के किसी भी मरे हुए शख्स की ना होगी, जिसे घोड़ों और आदमियों के असली नज़र आने वाले बुतों से सजाया गया है, जो के संगमरमर के बने हुए हैं। किंग मौज़ोलस के अल्फाज। द मौज़ोलियम एट हेलिकार्नेसस। हेलिकार्नेसस का मकबरा। मौज़ोलस का मज़ार या हेलिकार्नेसस के पास मज़ार एक तामीर है। पैरामिड की तरह इस इमारत में भी कदीम दौर का एक बादशाह दफन है, लेकिन इस इमारत ने अपने साइज़ की बजाय अपनी खूबसूरती की वजह से सात अजूबों में अपनी जगह बनाई। मुकाम। ये इमारत बोर्डम शहर में वाकिया थी, जो कि जनूब मगरबी तुर्की में वाकिया है। तारीख। इस मकबरे में बादशाह मौज़ोलस दफन है। इसकी तमीर बादशाह की बीवी और बहन आर्टिमीजिया ने शुरू करवाई, और शायद ये तमीर बादशाह की ज़िंदगी में ही शुरू हो गई थी। ये 350 कबल मसीह में मुकम्मल हुई, जब बादशाह को मरे 3 साल गुजर चुके थे और उसकी बहन आर्टिमीजिया को मरे 1 साल गुजर चुका था। 16 सदियों तक इस इमारत की हालत बहुत अच्छी रही, लेकिन फिर एक जलजले ने इसकी छत और सतूनों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। 15वीं सदी में सेंट जॉन की फ़ौज ने जब इस इलाके पर हमला किया तो उन्होंने यहां पर एक किला बनाया, और इस किला की तामीर में इस अजीम इमारत का एक एक पत्थर इस्तेमाल कर लिया गया, और इस तरह इस इमारत का वजूद ख़त्म हो गया। ये किला आज भी बोर्डम में मौजूद है, और इस पर आज भी अजीम इमारत के पत्थर और संगे मरमर देखे जा सकते हैं। हेलिकार्नेसस के पास वाकिया ये मज़ार कदीम दुनिया के 7 अजूबों में 5वें नंबर पर शुमार होता है, और हैरत की बात यह है कि सदियां गुजर जाने के बावजूद आज भी इस इमारत के कुछ बुत ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन में मौजूद हैं। यह इमारत मुस्ततील शक्ल में थी, और इसकी बुनियाद के ऊपर एक चबूतरा बनाया गया था, जिसके ऊपर खूबसूरत मुजस्मे बनाए गए थे। बादशाह को दफनाने वाले ताबूत को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था। इस इमारत की ऊंचाई 140 फुट थी। इस इमारत का ढांचा ही इसको कदीम इमारतों में शामिल नहीं करता, बल्कि इसकी सजावट और इसमें रखे गए मुजस्मे सब मिलकर इसको कदीम दुनिया के 7 अजायबाते आलम में शुमार करते थे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप दुनिया के 7 कदीम अजूबों की सीरीज़ में शुमार दीगर अजायबात की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको उनके लिंक्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से आगाह कीजिए, वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मुस्तकबिल में ऐसी मज़ीद दिलचस्प और मालूमती वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल उर्दू फ्रंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।